साथियों, आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष से लेकर सत्याग्रह तक देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही है। आज जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम सबने देखा है कैसे जब हर घर में तिरंगा फहरा तो उसमें आप सभी बहनों ने, महिला स्वयं सहायता समूहों ने कितना बड़ा काम किया है। आपके बनाए तिरंगों ने राष्ट्रीय गौरव के क्षण को चार चांद लगा दिए। कोरोना काल में, संकट की उस घड़ी में मानव मात्र की सेवा करने के इरादे से आपने बहुत बड़ी मात्रा में मास्क बनाए, पीपीई किट्स बनाने से लेकर लाखों लाख तिरंगे, यानी एक के बाद एक हर काम में देश की नारी शक्ति ने हर मौके पर हर चुनौती को अपनी उद्यमिता के कारण देश में नया विश्वास पैदा किया और नारी शक्ति का परिचय दे दिया है। और इसलिए आज मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ एक स्टेटमेंट करना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ करना चाहता हूं। पिछले 20-22 साल के शासन व्यवस्था के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, आपके समूह का जब जन्म होता है, 10-12 बहनें इकट्ठी होकर के कोकाम शुरू करती हैं, जब आपका इस एक्टिविटी के लिए जन्म होता है, तब तो आप स्वयं सहायता समूह होते हैं। जब आपके कार्य की शुरुआत होती है, एक एक डग रख करके काम शुरू करते हैं, कुछ पैसे इधर से, कुछ पैसे इधर से इकट्ठा करके कोशिश करते हैं, तब तक तो आप स्वयं सहायता समूह है। लेकिन मैं देखता हूं आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण, देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। और इसलिए कल आप स्वयं सहायता समूह होंगे, लेकिन आज आप राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं, राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की यही ताकत आजादी के अमृत काल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत अहम भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आज प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है।